क्लोजन डिसऑर्डर में लेते हैं हम एपिलेप्सी, जो कि एक एपिलेप्सी इज रिकरेंट एपिसोडिक प्रॉक्सिमल ट्रांसिएंट डिस्टर्बेंस ऑफ ब्रेन फंक्शन ड्यू टू एब्डोमिनल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द न्यूरॉन्स, जो कि न्यूरॉन्स की एक एब्डोमिनल एक्टिविटी होती है एपिलेप्सी, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होती है एपिलेप्सी, जो कि ऑलमोस्ट जो होती है चिल्ड्रंस हैव एपिलेप्सी हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ प्री स्कूल ईयर्स। डेफिनेशंस, एपिलेप्सी इज ब्रेन डिसऑर्डर इन द क्लस्टर ऑफ द नर्व सेल्स न्यूरॉन्स इन द ब्रेन समटाइम्स सिग्नल एबनॉर्मलिटी। नेक्स्ट, न्यूरॉन्स नॉर्मली जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स दैट एक्ट ऑन अदर न्यूरॉन्स ग्लैंड्स मसल्स टू प्रोड्यूस ह्यूमन थॉट फीलिंग एंड एक्शंस। इन एपिलेप्सी एबनॉर्मल पैटर्न ऑफ द न्यूरल एक्टिविटी बिकम्स डिस्टर्बेशन कॉजिंग एंड स्ट्रेंज सेंसेशन इमोशन बिहेवियर समटाइम्स कन्वर्जेंस मसल्स स्पान लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अब है एपिडेमोलॉजी ऑफ एपिलेप्सी। मोर देन 2 मिलियन पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट अबाउट 1 to 100 हैव एक्सपीरियंस्ड एन अनप्रोवोक्ड सीजर हैज बीन डायग्नोस्ड विद एपिलेप्सी। फॉर द अबाउट 80% दोज डायग्नोस्ड विद एपिलेप्सी सीजर्स कैन बी कंट्रोल विद मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जिकल टेक्निक्स। हाउएवर अबाउट 25 to 30% पीपल विद एपिलेप्सी विल कंटिन्यू एक्सपीरियंस सीजर्स इवन द बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट। अब एटियोलॉजी एपिलेप्सी में, एटियोलॉजी में पहला है एपिलेप्सी इज डिसऑर्डर मैन मेनी पर्सन कॉज एनीथिंग दैट डिस्टर्ब नॉर्मल ऑफ द न्यूरॉन एक्टिविटी फ्रॉम इलनेस टू ब्रेन डैमेज टू एबनॉर्मल ब्रेन इन्वॉल्वमेंट कैन बी लीड टू सीजर। एपिलेप्सी में डेवलप बिकॉज एन एबनॉर्मलिटी इन ब्रेन राइजिंग एन इम्बेलेंस ऑफ नर्व सिग्नलिंग केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स और सम कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फैक्टर्स। Researchers believe that some people with epilepsy have an abnormal high level excitatory neurotransmitter that increase neuron activity, while others have an abnormal low level of inhibitory neurotransmitter that decrease neuron activity in brain. Either situation can result too much neuron activity and cause epilepsy. Continuation में transmitter that plays role epilepsy GABA और gamma aminobutyric acids होते हैं विच इन द इनहेबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर। इन सम केसेज द ब्रेन अटेम्प्ट रिपेयर ऑफ द हेड इंजरी स्ट्रोक और अदर प्रॉब्लम में भी इनहेबिटरी जनरेट एबनॉर्मल नर्व कनेक्शन दैट लीड टू एपिलेप्सी। एबनॉर्मल इन ब्रेन वेयरिंग दैट अकर ड्यूरिंग ब्रेन डेवलपमेंट एंड ऑल्सो डिस्टर्ब न्यूरोन एक्टिविटी लीड टू एपिलेप्सी। देन कोज में क्या है, अननोन कोज 70%, ब्रेन ट्रोमा हो सकता है, ब्रेन लीजन्स, पॉइजनिंग, इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन, ब्रेन इंजरी, बेड बर्थ, जेनेटिक कॉज, एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट, क्रॉनिक एल्कोहल ड्रग अब्यूज। अब ए क्लासिफिकेशन ऑफ द, देर आर मेनी डिफरेंट टाइप सीजर, सम दैट अफेक्ट होल ब्रेन जनरलाइज, सम अफेक्ट ऑफ पार्ट ऑफ ब्रेन पार्शियल। कॉमन जनरलाइज सीजर्स देन में है टॉनिक एंड क्रॉनिक, इसको बोलते हैं ग्रैंड मेल, ये समटाइम कॉल्ड इज ग्रैंड मेल। एब्सेंस सीजर्स एटिपिकल और एटिपिकल टाइप्स के होते हैं ये। देन मायोक्लोनिक सीजर्स, एटोनिक सीजर्स, इनट्रेबिकल सीजर्स, कॉमन पार्शियल सीजर्स, सिंपल पार्शियल सीजर्स, कॉम्प्लेक्स पार्शियल, सेकेंडरी जनरलाइज स्टेटस ऑफ एपिलेप्टिकस। दूसरा टोनिक क्लोनिक सीजर्स, समटाइम्स कॉल्ड ग्रैंड मेल, द पर्सन लॉसेस कॉन्शियसनेस, गोज स्टिफ एंड फॉल द ग्राउंड, समटाइम्स दे अपीयर टू क्राई आउट, द स्किन पार्टिकुलरली अराउंड ऑफ द माउथ अंडर फिंगर नेल्स में अपीयर ब्लू एंड कलर, देर कैन बी लॉस ब्लैडर बाउल कंट्रोल, द लिप्स जर्क एंड मसल्स कॉन्टैक्ट एंड रिलैक्स इन क्विक सजेशन, द पर्सन में बी बाइट टंग एंड द इनसाइड देयर चीक्स स्लोली, देर विल बी रिजेन कॉन्शियसनेस बट दे विल बी ग्रोगी और कन्फ्यूज विद द ऑप्शन ऑफ द पर्सन रिमेन स्लीपी एंड मे बी हैव हेडेक एंड कैचिंग लिम्स। टॉनिक क्रॉनिक सीजर्स जिसको बोलते हैं ग्रैंड मेल, इसमें ये कंडीशन डेवलप होती है। नेक्स्ट रहते हैं एब्सेंस सीजर्स, जिसको बोलते हैं समटाइम्स कॉल्ड पेटिट मोल। ड्यूरिंग द एब्सेंस सीजर द पर्सन इज मोमेंटरीली कॉन्शियस, इट मे अपीयर दे आर डिहाइड्रीमिंग और स्वेटिंग ऑफ, हाउएवर दे आर टोटली अनअवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड ऑफ देम, कैन नॉट बी वोकन अप। नेक्स्ट एब्सेंस सीजर, मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड एब्सेंस सीजर्स यूजली बिगिन बिटवीन द एज 4 to 14, द चिल्ड्रन हाउ गेट ए यूजली हैव नॉर्मल डेवलपमेंट एंड इंटेलिजेंस।
Next, nearly 70% cases absence seizures stop by age 18. थर्ड है मायोक्लोनिक सीजर्स. मायोक्लोनिक सीजर्स में पहला है दे आर सडन जैक्स. दे आर इफेक्ट ऑफ वॉल बॉडी आर यूजली रिस्ट्रिक्ट टू वन आर्म बोथ एंड समटाइम टू हेड. द पर्सन इज नॉट कॉन्शियस बट ए सीजर्स इज ब्रीफ दैट द पर्सन अपीयर्स टू रिमेन फुली कॉन्शियस. मायो मीन्स मसल्स ऑफ क्लोनस. क्लो यानी क्लोनस मीन्स रिपीडली अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस जर्किंग एंड ट्विचिंग ऑफ द मसल. अब एटोनिक सीजर्स. एटोनिक सीजर्स में एटोनिक सीजर्स कॉज बाय सडन लॉस ऑफ मसल टोन. मोटर सिम्टम इंक्लूड हेड ड्रॉप्स लॉस ऑफ पोस्चर एंड सडन कोलैप्स. बिकॉज दे आर अकर विदाउट वार्निंग एटोनिक सीजर्स कैन रिजल्ट इंजर्ड हेड टू फेस. प्रोटेक्टिव हेड एज समटाइम्स यूज बाय चिल्ड्रन एंड एडल्ट. अदर नेम्स इंक्लूड ड्रॉप अटैक्स एस्टेटिक एंड एकिनेटिक सीजर्स. अब इंट्रकेबल सीजर्स. सीजर्स वे एनी काइंड टू डू नॉट रेस्पॉन्स मेडिकेशंस. 20% ऑफ पीपल विद एपिलेप्सी विद हैव ए सीजर्स दैट आर रेसिस्टेंट मेडिकेशन अदरवाइज नाउ एज ए रिफैक्ट्री एपिलेप्सी. सिंपल पार्शियल सीजर्स. द पर्सन रिमेन्स फुली कॉन्शियस बट दे अनेबल टू स्टॉप कंट्रोल ऑफ सीजर्स. एग्जाम्पल टू सिम्टम दे आर मूवमेंट ऑफ लिम्फ टिंगलिंग experiencing a non-exciting smell of taste, going pale, sweating or experiencing a swooning feeling and the stomach. Other symptoms can be feeling a fear, panic, suddenness of happiness. When seizures occur, the part of brain responsible vision, people can see flashing bars of light, experience temporary absence of visions. Complex partial. The partial only partially consciousness, although may be appear that fully aware of the what they are doing. It is not a case. Example symptom a chewing, a swelling, fumbling, a buttons, repeatedly scratching the head of scratching, searching for an object. Some people may remove items of clothing. Sometimes the seizures can involve complex body movement, appreciably strange behavior or actions of sexual nature. Where sanguinity generalized. The generalized convergence phase of seizures usually lasts of more than few minutes. The sum of primary generalized seizures. The preceding partial seizure is usually not very long. Some of these parts are so brief that it is hard to detect. This seizure is called secondary generalized because they had not become generalized spread from both sides of brain. After the initial and primary event, the partial seizure has been already begun. They happen the brushed electrical activity limited area. The partial seizure is spread throughout the brain. Sometimes the person does not recall the first part of seizures. The seizures was occurred 30% of people with partial epilepsy. They can affect people all ages have a partial seizure. Abe status epilepticus. Most seizures when after a few minutes, if seizures are prolonged or occur in series, there are increased risk of status epilepticus, a true life threatening emergency. Status epilepticus usually defined 30 minutes. Uninterrupted seizures activity, repeat seizures without a return of consciousness. The Epilepsy Foundation advised parents and the public to call for emergency assistance. When a convulsive seizure lasts the more than 5 minutes without sign of stopping, and when successive seizures last more 5 minutes without a return of consciousness. Pathophysiology of epilepsy. Nerve impulse propagates in the brain in the synchronous manner and for that the electrical potential reaches zero. Any type of process which the damage of cause inactivation of gray matter, the brain may cause activation or inactivation of neurons caused by unknown mechanism. This leads of sudden excessive synchronous discharge which result electrical potential. If the discharge remains localized, it result partial seizure. Or it may be split involves the entire cerebral causing general seizures. Imbalance we excitatory transmitted such as G-aminobutyric acid and selective central nervous system calcium channel blocker may be involved the seizure disorder. The excessive continuum regi pathophysiology. The excessive neuronal disorder discharge involving the entire brain result of consciousness, distribution of sensation, convulsive movement. After peak the seizures, there is a decrease in frequency of neural discharge. It leads to end to seizures. Next, the seizure may be leading due to loss of cerebral energy reserve
लोकल टिश्यू एनोक्सिया, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूरॉन्स मेटाबॉलिज्म एंड इनहेबिलेटरी न्यूरॉन्स फीडबैक मैकेनिज्म। साइन सिम्टम ऑफ एपिलेप्सी, पहला है ब्लकर्स द पीरियड्स ऑफ कन्फ्यूज मेमोरी, इसका मतलब होता है एपिड्स ऑफ स्टार्ट एंड प्लेक्स, पीरियड्स ऑफ अनरेस्पॉन्सिवनेस, इनवॉल्ट्री मूवमेंट्स ऑफ आर्म लेग्स, फैटिंग स्पेल्स, स्मेल स्पेल्स विद इनकंटिन्यूएंस ऑफ फॉलोड बाय एक्सेसिव फटिग और साउंड, डिस्टॉर्ट परसेप्शन, एपिसोडिक फीलिंग्स ऑफ फियर दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, स्ट्रेन सेंसेशन, विजुअल हेलुसिनेशन, इमोशनल चेंजेस, मसल स्पॉन्ज कन्वर्जन, अदर सिम्टम डिपेंडिंग ऑन वेयर द ब्रेन एंड सीजर्स। डायग्नोसिस में ईजी एमआरआई एंड ब्लड टेस्ट करवाते हैं। डायग्नोसिस में ईजी यानी इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम, इट इज टेस्ट दैट वी हेल्प डायग्नोस एपिलेप्सी। ड्यूरिंग द ईजी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू ब्रेन द रिकॉर्डेड, दिस द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिटेक्ट बाई इलेक्ट्रोड्स और सेंसरी प्लेस्ड इन द पेशेंट्स स्कैल्प एंड ट्रांसमिटेड द मशीन द रिकॉर्ड ऑफ द एक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस बाय ब्रेन न्यूरॉन्स आर पिक्ड बाय द इलेक्ट्रोनोड्स ऑफ ट्रांसमिटेड मशीन्स वेयर द प्रोड्यूस सेपरेट ग्राफ्स मूविंग प्रॉपर रिकॉर्डेड इन एंड कंप्यूटर ऑफ स्कैन। ध्यान कराते हैं सीटी या एमआरआई स्कैन्स रिवील द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन विद द यूजफुल आइडेंटिफाइंग दैट ब्रेन ट्यूमर, सिस्ट, अदर स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज। एन अडेप्टेड काइंड ऑफ एमआरआई कॉल्ड फंक्शन एमआरआई कैन बी यूज्ड मॉनिटर ब्रेन एक्टिविटी एंड डिटेक्ट एबनॉर्मलिटीज। दूसरा स्पेक यानी सिग्नल फोटो इमिनेशन कंप्यूटर टोमोग्राफी इज ए रिलेटेड इन अ काइंड ऑफ ब्रेन स्कैन द समटाइम्स यूज टू लोकेट सीजर्स फोसी इन द ब्रेन। डॉक्टर्स मे बी एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ द ब्रेन स्कोर मैग्नेटो एनसेफेलोग्राम और एमईजी। एमईजी डिटेक्ट टू मैग्नेटिक सिग्नल डेनलाइज बाय न्यूरॉन्स टू एलो डॉक्टर्स मॉनिटर ब्रेन एक्टिविटी डिफरेंशियल पॉइंट ऑफ द ब्रेन ओवर टाइम रिलीविंग डिफरेंट ब्रेन फंक्शंस। डॉक्टर्स आल्सो आर एक्सपेरिमेंटिंग विद ब्रेन स्कैन्स कॉल्ड मैग्नेटिक रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी MRS दैट कॉल डिटेक्ट एबनॉर्मलिटीज इन द ब्रेन बायोकेमिकल प्रोसेस इन द नियर इन्फ्रेड स्पेक्ट्रोस्कोपी ए टेक्निक दैट कैन डिटेक्ट ऑक्सीजन लेवल इन ब्रेन टिश्यू। दीज ब्लड सैंपल्स आर ऑफन स्क्रीन बे मेटाबॉलिक और जेनेटिक डिसऑर्डर दैट मे एसोसिएट विद द सीजर्स। दे आल्सो मे यूज बी अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स सच एज इन्फेक्शन, लीड पॉइजनिंग, एनीमिया एंड डायबिटीज दैट मे कॉजिंग ट्रिगरिंग द सीजर्स। नोट, फार्मोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या था, फर्स्ट एड करते हैं जनरलाइज टोनिक और क्रॉनिक सीजर्स में। स्टेन कॉल नॉट ऑल नॉट टाइम टू सीजर्स बिगेन एंड ड्यूरेशन ऑफ इवेंट, ले पर्सन डाउन, टर्न ऑफ लेफ्ट साइड, प्लेस समटाइम अंडर हेड, क्लियर ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम जर्किंग एक्सट्रीमिटीज, लूजन टाइट क्लोथिंग अराउंड द नेक, प्रोटेक्ट द हेड, रिमूव ग्लासेस, डू नॉट रिस्ट्रेन, प्रोवाइड प्राइवेसी पॉसिबल, स्टे द पर्सन अंटिल सीजर्स एंड द फुल रिटर्न ऑफ कॉन्शियसनेस इज ऑब्जर्व। अब ए टॉनिक क्रॉनिक सीजर इन ए व्हील चेयर, डू नॉट रिमूव द व्हील चेयर अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी, सिक्योर व्हील चेयर इन प्रिवेंट मूवमेंट, फास्टन सीट बेल्ट लूजली टू प्रिवेंट पर्सन फ्रॉम फॉलिंग आउट ऑफ द व्हील चेयर, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट हेड, एंश्योर ब्रीथिंग अनऑब्स्ट्रक्टेड एंड एलो सिक्रेशन टू फ्लो द फ्रॉम माउथ, पैड व्हील चेयर टू प्रिवेंट इंजर्ड लिम्ब्स, फॉलो रिलेवेंट सीजर फर्स्ट एड प्रोटोकॉल। ट्रीटमेंट एंड फार्मोलॉजिकल में क्या देते हैं, क्लासिफिकेशन में जैसे कि हिसाब से किया हुआ है, अगर हाइड्रोनस टोन्स है जो तो फिनोटोन देते हैं, बारबिटोनस में फिनोबारबिटोन्स, आइबिनो स्टिनोबिन में कार्बिमिनोजैपान देते हैं, सक्सिनोमेजाइड में इथोक्सक्सिनोमाइड, गाबा ट्रांसमिनेज इनहिबिटर्स में वेलप्रोट एसिड देते हैं, बेंजोडाइजिपिन्स में डाइजिपाम, गाबा एनोलॉक्स में विगाबार्टरिन। अब फिनोटाइन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ब्लॉक्स सोडियम चैनल्स एक्टिवेट स्टेट, ब्लॉक्स हाई फ्रिक्वेंसी फीवरिंग, डिले रिकवरी ऑफ सोडियम चैनल्स फ्रॉम द इनएक्टिवेशन, स्टेबलाइजेस द न्यूरॉन मेम्ब्रेन, इनहिबिट चैनल्स ऑफ एक्शन पोटेंशियल, इनहिबिट स्प्रेड ऑफ सीजर्स, एडवर्स इफेक्ट एपिगैस्ट्रिक पेन, अटैक्सिया, एनोरेक्सिया, ड्रग इंटरैक्शन, सिमेटिविन एंड क्लोफेनिकोल इनहिबिट मेटाबॉलिज्म फिनोटाइन, डोज 20 mg/kg। अब कार्बामेजेपिन, इट इज ए ट्राइग्लाइसिक कंपाउंड कॉमनली यूज ऑफ एंटीलेप्टिक ड्रग्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिमिलर टू फिनोटाइन, यूज फॉर ट्रीटिंग ट्राइगोनल
न्यूरोगैल्गिया एंड ग्लोसोफेरेंजियल न्यूरोगैल्गिया न्यूरोगिया फाउंड टू बेनिफिशियल इज मूड डिसऑर्डर एंड हैज टू माइल्ड टू ड्यूरोटिक इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट वर्टिगो ब्लडिंग ऑफ विजन डिजीनेस डोज 200 टू 400 एम जी टी डी एस ड्रग इंट्रोडक्शन इट इज एंजाइम इंड्यूस्ड इनहेंस इट इज ओवन मेटाबोलिज्म एंड अदर ड्रग्स लाइक फेनोटाइन वेलपोरिक एसिड अब एथोक्सोबाइड इट इज एन सक्सिनमाइड इट राइज टू सीजर देयर शॉर्ट मैकेनिज्म ऑफ सेक्शन इट रिड्यूस द लो थ्रेसेंट कैल्शियम टी क्रेंट्स इन द थैलेमिक न्यूरॉन्स विच आर रेस्पॉन्सिव टू एब्सेंट सीजर एडवर्स इफेक्ट लेथार्जी यूफोरिया ल्यूकोफेनिया यूटिकेरिया वेलपोरिक एसिड इट इज ए सॉर्ट ऑफ सोडियम वेलपोरेट इफेक्टिव इन एंटीलेप्टिक ड्रग्स एब्सेंस पार्शियल एंड जनरलाइज सीजर्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ गाबा बाय इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ गाबा सिंथेसिस एंजाइम डिक्रीज द मेटाबॉलिज्म गाबा बाय इनहिबिटिंग गाबा ट्रांसमिशन इज एंजाइम ब्लॉक सोडियम चैनल्स डिक्रीज द लो थ्रेशोल्ड कैल्शियम टी रिकरेंस ऑफ थैलेमस एडवर्स इफेक्ट्स ट्रेमर्स रैशेस एलोपेशिया ड्रग्स इंट्रैक्शन इनहिबिट्स द क्लियरेंस ऑफ लेमोट्रिजिन डाइजिपम ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ स्टेटस ऑफ एपिलेप्सी इन फाइब्रिन कन्वर्जेंस लोराजिपम मे बी यूज्ड पेयर्स ऑफ डाइजिपम डोज 1.21 एम जी के जी आई वी क्लोजिपम इट इज ए एंटीलेप्टिक यूजफुल एब्सेंस ऑफ माइक्लोनिक सीजर्स वैग्यूबेंटिंग इज ए गाबा एनोलॉग विच इज द एक्ट ऑफ यूनिवर्सली इनहिबिटिंग एंजाइम्स गाबा ट्रांसमिशन थेरेपी राइजिंग ऑफ ब्रेन गाबा लेवल्स लेमोट्रिजिन इज द एप्रोच स्पेक्ट्रम एंटीलेप्टिक एक्टिविटी prolonged the activation of sodium channels and also inhibit the release of excitatory amino acids like glutamate dose 50 to 300 mg per day ke hisab se this topic is complete epilepsy ek convulsion disorder hai thank you everyone